वेलकम बैक नाजीन, आप टैबू देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नार्कोटिक्स के ऊपर। गौरी, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग चार थे। अच्छा, चार भाई बहन हैं। बहनें कितनी? दो बहन है, दो भाई। दो बहनें, दो भाई। एक भाई पीता था, उसका भी इंतकाल हो गया। एक भाई पीते थे आप? जी। बड़े थे आपसे? जी, सबसे बड़े। सबसे बड़े थे। घर में अम्मी अब्बा को कब पता चला कि आप ये करती हैं? कभी पता चला उनको या उनसे छुपके पीती थी? छुपके से पीती थी। तो अम्मा को कब पता चला? अम्मा को बस मेरी आंखों से, कि तेरी आंखें ऐसी क्यों रहती है। अच्छा, मैं मतलब नशा करती हूँ। हाँ। तो मेरी आंखें यूं चढ़ी रहती है, तो अम्मी मेरी देखते ही पहचान लेती थी। कभी पूछा? जी, फौरन बता देती थी, काला मुंह कर लिया जाकर। हाँ, फौरन समझ जाती। फौरन अम्मा तो समझ जाती ना, नजर में मुझे पहचान देती थी। अच्छा गौरी, मैं अगर दिल दुखे तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जब आदमी ये सब करता है, मैं अगर कोई बुरा काम करूंगी, जैसे नशा करूंगी, हीरोइन पीऊंगी, शराब पीऊंगी, तो मुझे कभी कभी मेरा दिल चाहेगा, जब मैं अकेले बैठी हूं तो मैं सोचूं मैंने ये सब क्यों शुरू किया था, मुझे तो नहीं करना चाहिए। मेरे घर वालों ने तो मुझे सब कुछ दिया, प्यार दिया, इज्जत दी, घर में रखा, इतनी मोहब्बत दी, फिर हम ये जब करते हैं तो कभी अपना आप बुरा लगता है खुद का? बहुत लगता है। नहीं लगेगा, इतनी अच्छी जिंदगी ऐसे उजाड़ देते हैं तो दुख नहीं होएगा? वो तो फिर छोड़ने के बाद ना इंसान को सब बातें याद आती है जहन में, कि मैं कैसे थी, मैं क्या करती थी, मैं कैसे पहनती थी, मैं कैसे जाती थी, कैसे मुझे बुलाते थे लोग, कैसे मुझे इज्जत देते थे, कैसे मुझे शोहरत देते थे। अब मुझे पास भी नहीं बिठाते, अब सब दुधकारते है और सब नफरत करते है। ए, चल 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 पौडरी नशा, चल 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 मेरे घर पर नहीं आना। तो कितना दिल दुखता है कि हम लोगों ने इस चीज में हाथ डाला, तो हम लोग को बोल रहे हैं ना, हम लोगों ने अगर इसमें हाथ नहीं डाला हो तो कोई नहीं बोलते। घर में कोई तंगी तो नहीं थी, किसी किस्म की परेशानी तो नहीं थी जो इसलिए चीज शुरू की? ऐसी आपने जैसे कहा शौकिया शुरू की? मैंने तो शौकिया शुरू की थी। ठीक है, अलामा साहब आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये जो आपने अभी कहा कि इन्होंने शौकिया शुरू किया, ये किसी ने, कोई शौकिया शुरू नहीं करता, उसका क्राउड उसको उस तरफ मुतवज्जे कर रहा है। शौक क्या है? उसने देखा, उसको आसानी से मैसर आया वो माहौल, उस माहौल के अंदर वो इन्वॉल्व हुई। अल्लाह में सब एक होता ना कि मैं इस चीज को प्रैक्टिस करके देखूं कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। देखिए, आपके बच्चे को जो चीज नजर आ रही है, आज आपका बच्चा जब अभी कल भी एक इत्तेफाक एक न्यूज के अंदर था, वो छत के ऊपर से एक बच्चा जहाज से गिर गया। क्यों किया उसने? उसने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी, उसने कहा एक हीरो ये कर रहा है, मैं भी ये कर लूंगा। ठीक है, डिपेंड फॉर यू कि आप क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं, आपका मीडिया, आपकी गवर्नमेंट, आपके हालात, आपकी एनजीओ, आपकी सोसाइटी, वो क्या प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, फिर जहां तक डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि एक होता है सेल्फ डिफेंस इन बॉडी, ठीक है ना, इन माइंड, इंसान के अंदर होती है एक पावर होती है जो फेस कर रही होती है। बात क्या है कि आपने उस पावर को ऑफ कर दिया। आपकी स्कूल लेवल के ऊपर जो आपके टीचर्स हैं, जो कॉलेज भी टीचर्स हैं, वो खुद इन मामला से नावाकिफ हैं। उनको ये बात नहीं मालूम कि इस बच्चे की हमें इल्म के साथ साथ इसकी पर्सनालिटीज को भी डेवलप करना है। जब आप स्कूल लेवल पर टीचर्स का स्टेटस और मेयार ये बना दें कि वो इन तमाम चीजों को समझ रहा हो कि खिल इल्म नहीं, वो तो तोता भी याद कर लेता है, जानवर भी याद कर लेता है, मतलब अगर आपने पढ़ा दिया किसी बच्चे को तो आपने कमाल नहीं किया। आपने उस बच्चे की शख्सियत को क्या बनाया है, बेशक, और क्या नहीं बनाया। ये फरार जो है, ये आपके ज़हन में कैसे, आप इसको कैसे कंक्लूड करते हैं या कैसे आप इसके माइंडसेट्स क्या होते हैं उस वक्त? हमारा जो ज़हन है बड़ा सिंपल इन रूल्स के साथ जाता है। ठीक है, या किसी चीज के तरफ जाता है या किसी चीज से भाग जाता है। ठीक है, फरार दोनों सामने आप जा सकते हैं। ठीक है, यू नो, आपको बुराई से फरार, मिसाल के तौर पर आपको कुछ फर्स्ट क्लास कोई ड्रेस नजर आया। हाँ। आप मम्मी डैडी के साथ बैठे हैं, आपके एज 16-18, आप भाग जाते हो, जाके ड्रेस को छूने की कोशिश करते हो। हाँ। ये भी फरार है। ओके, या अगर इतना दर्दनाक है ट्रैफिक वगैरह, आप कहते हैं कि भाई गाड़ी को छोड़ो, मैं यहाँ से पैदल निकल जाऊंगा। हाँ। फरार कैन बी व्हाटएवर। ठीक है, बहुत सारे अवॉइडेंस, यानी अवॉइडेंस में हमेशा पेन नहीं होता बिहेवियर के लिहाज से। आजकल ये जो हम ये बात करें, आपने बहुत अच्छा टॉपिक किया, स्टैंडर्ड रूल आजकल क्या है कि सब आमतौर पे जो लोग मनशियात में हैं वो एडमिट नहीं करते हैं कि हम हैं,
छुप के करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ना दीन में एक्सेप्टेबल है, ना साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, ना साइका। तो आजकल क्या कर रहे हैं कि वो रैंडम यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके बिल्डिंग में जितने लोग अभी काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कितने लोग यूजर हैं या यूजर नहीं है। अगर आप रैंडमली यहाँ इनसे यूरिन या ब्लड सैंपल मांगे, आप देखोगे कि रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। मैं इनके साथ बात कर रहा था ना, मैंने कहा भाई एस्टिमेट क्या, हम बात कर रहे हैं कि कितने हैं, बोला यू नो ये सारे एस्टिमेट से बट दे आर नॉट एक्चुअल। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है डॉक्टर साहब, जो हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को, मैं आप जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को तो सलाम करती हूँ जो कि बहुत मयारी और बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बाकायदा तौर पर नाम लेके कहना चाहती हूँ, एक ऐसा कराची के अंदर सेंटर काम कर रहा है जिसमें गौरी ने भी कहा कि वो वहां रह के आ चुकी हैं, और वहां पर जिस किस्म की करप्शन हो रही है, जिस तरह से वो लोगों को मिसयूज कर रहे हैं वहां पर, उसकी मिसाल नहीं मिलती, और वहां रेट डालने वाला, वहां पूछने वाला, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि सही काम कर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं खड़े होते, उनको क्यों नहीं बंद करवाते, मुझे ये बताएं। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। उसकी वजह यह है, हमारे मुल्क में सना 11 गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, 11 जो इसकी प्रिवेंशन के लिए काम करती हैं। क्या वजह है कि मैं और आप जो बात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट को पता है? एक सेकंड रुकिएगा गौरी, आप जहां गई थी उस जगह का नाम पता आपको? न्यू होराइजन। अच्छा, वहां पे क्या हुआ था? वहां मुझे बांध दिया था। अच्छा, एक एक हाथ मेरा जंजीरों में बांध दिया था। खाने को वक्त पे देते जी, थे खाने को वक्त पे देते थे, लेकिन जंजीरों से बांध दिया और मारते थे। हाँ, मारते थे, इतने बड़े बड़े डंडे। क्यों मारते? बस वो लेडीज से शौक मांगते होंगे उनसे जी। अभी तोड़ होता था तो वो लोग टेबलेट नहीं देते थे, अपने व्हील पावर से वो नशा छुड़वाते थे। अच्छा, मतलब के जैसे तोड़ो तो वो लोग बोला नहाओ। हाँ। तो अभी जो तोड़ में हो उसे तो सर्दी लग गए। हाँ। मैं तो नहीं नहाऊंगी, नहीं नहाऊंगी, मुझे सर्दी पानी लग से है। पानी से डरते हैं। हाँ। लोग कुछ कहना चाहता हूँ, देखिए ये क्रिमिनल है, दिस इज इनह्यूमन है। ट्रीटमेंट वो चीज होती है जिसके अंदर, मुझे एक बात बताइए, इस औरत को हजारों लाखों लोग आपके इसके चैनल के जरिए सुन रहे होंगे, और ये अकेली तो नहीं है, सैकड़ों लोगों ने उस सेंटर में जिसमें ये रही है इलाज करवाया होगा। मुझे बताइए बाहर निकल करके वो लोगों को क्या मैसेज देते होंगे, खुदा के लिए इलाज मत करवाना। इलाज का मतलब तो ये होता है कि उसके अंदर ह्यूमेन होना चाहिए, केयर हो, कम्फर्ट हो। आप उसकी शख्सियत को तब्दील कीजिए, उसके कंसेप्ट को चेंज कीजिए। वो ड्रग को पहले एक ब्लेसिंग समझता था, उसको बताएं कि ये ब्लेसिंग नहीं है, इट्स अ कर्स, ये आपके लिए एक अनइनवाइटेड डेथ है, ये ग्रेजुअल सुसाइड है आपके लिए। बिल्कुल ठीक है। दो नुक्तों पे बात रह गई है जो हम ब्रेक की बात करेंगे कि आप और मैं इसमें अब कहां से और कैसे किरदार अदा करें, और अगर ये लोग हमें हमारे माशरे में नजर आते हैं तो हम इनके लिए एक बेहतर सिटीजन होने के लिए, इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि ये यूजर्स हैं, उनके लिए हम कैसे मौके फराहम करें जो कि इन चीजों से बाहर आ सके। आफ्टर दिस ब्रेक।